उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी की गई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजें और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे। इस बीच सरकार ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई है। इसके अलावा शासन ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी। उनके अनुसार अलविदा की नमाज और इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उनमें लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए लगभग 37,344 धर्म गुरुओं से बात की गई है। ईद की तैयारियों के संबंध में प्रशांत कुमार ने कहा कि अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पर होनी है। इसके चलते करीब 75,000 ईदगाह और 20,000 मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी। इन सभी जगहों पर बात करके लाउड स्पीकर की आवाज को या तो परिसर तक ही सीमित रखा जाएगा या फिर लाउड स्पीकर उतरवाए जाएंगे। संवेदनशील जिलों में 45 कंपनी PAC, 7 कंपनी CRPF और स्थानीय पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया है। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय है। इस बीच यूपी के ACS गृह अवनीश अवस्थी ने सभी थाना प्रभारियों से धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर हटाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक जमा करने को कहा गया है। निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी।